अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो इसका जवाब आसान होकर भी लोग सोचते रह जाएंगे, यही सत्य है जो है मृत्यु। क्योंकि हम रहते हैं पृथ्वी पे, वो ही मृत्यु लोग भी कहलाती है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन के परम सत्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हिंदू धर्मानुसार मृत्यु के बाद शरीर को जलाया जाता है। ये भी शाश्वत सत्य है कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। ये भी है कि किसी परिवार में अगर किसी की डेथ शाम के बाद होती है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। और एग्जैक्टली यही आज का टॉपिक है कि आखिर शव को रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। और इसका जवाब पवित्र धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार से है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शव को अकेला रात भर नहीं छोड़ा जाता, लेकिन ये भी है कि कुछ परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, या यूं कहे कि कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को रात भर वहीं पर रखा जाता है और अगले दिन इसका संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय घर पर रखा जाता है, यानी पोस्टपोन। और पंचक काल के खत्म होते ही उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद या फिर पंचक समय में अगर किसी का दाह संस्कार किया जाए तो उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए नियमानुसार रात को लाश को लेकर स्मशान घाट में नहीं जा सकते जलाने के लिए, और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने तक का इंतजार करना पड़ता है। मृत शरीर को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, और कोई ना कोई इंसान हर पल मृत शरीर के पास ही रहता है। और अगर दूसरे एक बड़े सत्य को समझे तो वो ये कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ा जाए तो कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खा सकते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में अति कष्टदायी यातना भुगतनी पड़ती है। ये भी माना गया है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है, और इसलिए ये ज़रूरी भी होता है कि वहाँ कोई ना कोई पर्सन बैठा रहे और धूप अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाया जाए ताकि शव दुर्गंध को दूर किया जा सके। गरुड़ पुराण अनुसार भगवान श्री विष्णु गरुड़ से ये कहते हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसकी कोई भी संतान नहीं है तो ऐसे समय पर भी शव को घर पर ही रखा जाए जब तक उसका कोई नज़दीकी परिजन ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो जाता, अर्थात उसकी आत्मा यही मृत्युलोक पे भटक सकती है। और भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को जलाते हैं तो मृत आत्मा असुर, दानव या अहमी योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार करने का मना है। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर के आसपास भटक रही दुरात्माएं उस शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक और परिजनों को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। साथ में ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अंतिम समय में अपने परिजनों को देखती रहती है, क्योंकि मृत शरीर तो खाली रहता है लेकिन उसके शरीर पर कोई बुरी आत्मा अपना हक जमाने की कोशिश कर सकती है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि रात को शव को
अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, किसी न किसी को तो वहां रखवाली करनी पड़ती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।